होने जा रही सुमित्रा देवी, सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता लेंगी। बीजेपी में सभी का स्वागत है, ये कहा अरविंद भदौरिया ने। 12 जुलाई को प्रद्युमन लोधी भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक और झटका कांग्रेस पार्टी को लगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये झटके से कम नहीं। नेपानगर की विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो रही है। सीएम हाउस में वो पार्टी की सदस्यता लेंगी। बीजेपी में सबका स्वागत है, कहना है अरविंद भदौरिया का। इसके पहले 12 जुलाई को प्रद्युमन लोधी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक और विधायक सुमित्रा देवी काशलेकर ने इस्तीफा दे दिया। नेपानगर से विधायक थी और क्या कुछ इसके पीछे वजह है, क्या बीजेपी का संपर्क रहा? सीधे मंत्री हैं अरविंद भदौरिया हमारे साथ में और उनके निवास पर मुलाकात करने आए हैं। सर, क्या पहले से कोई बातचीत थी या इस्तीफे के बाद ही आप मिलने के लिए आए? जो सुमित्रा देवी जी है, मेरा पहले भी 2-4 बार संवाद हुआ। मैं मंत्री के नाते मेरे पास अभी भी कुछ कामों के लिए आई थी, मेरी बातचीत भी हुई थी। वो बड़ी दुखी थी, बहुत कष्ट में थी। उनका कहना था कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तो 15 महीने में वो करीब जो है ना 50-100 चक्कर लगाए होंगे विकास के लिए, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे। उनका यह कहना था कि एक फूटी कौड़ी का भी, एक चवन्नी का भी उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। क्योंकि ये सब चुन के आती है, या चुन के जो MLA आते हैं ये जनता की कृपा से आते हैं। यशपाल जी, आप दोनों सीनियर नेता आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी है बीजेपी में शामिल कराने की? अभी स्वाभाविक है, हम तो निवेदन करते हैं, सबसे करते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं। जो होगा, भारतीय जनता पार्टी देश हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया सदस्यता के माध्यम से। मैं तो हर किसी से निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अभी हम उनको निवेदन करेंगे ज्वाइन करा के, और हम साथ साथ चलेंगे। कांग्रेस का आरोप है प्रलोभन दिए जा रहे हैं विधायकों, कुछ इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, और एक दबाव की बात की जा रही है। कुछ दिन पहले सुमित्रा देवी के जो सचिव थे वो नकली नोटों के कारोबार में गिरफ्तार हुए, तो ऐसा तो नहीं कोई केस का प्रेशर खत्म करने का या कुछ इस तरीके की जो बात हो? एक कांग्रेस के अनर्गल प्रलाप है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। 26 क्या क्या आंकड़ा सर कहाँ? अब 26 कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है। आंकड़ा विकास के जादूगर, विकास का हितैषी, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को सुखानुभूति देने वाला हमारा मामा शिवराज सिंह चौहान है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सिंह भदौरिया। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सुमित्रा देवी काशलेकर जो है वो संपर्क में थी, अपनी व्यथा उन्होंने व्यक्त की है, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो विधायक अभी लगातार जो टूटते आ रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है, इस बात के भी संकेत दिए हैं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारी विधायक जो पार्टी की एक अच्छी नेता थी, तो इस प्रकार से वो कदम उठाएंगी दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुनर्विचार करने के बाद भी जब उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर अडिग हूं, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आप जो है मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, उन्होंने जब इस्तीफा मुझे दिया है तो आज हमने अपने कार्रवाई में ले लिया है। मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी मेरे लिए कि ये सौदा इनका अभी तक चल रहा है। ये विधायकों को फोन कर रहे हैं, इतने पैसे ले लो, ये पद ले लो, फलानी चीज ले लो, ये सब बात कर रहे हैं। क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है, उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का भी अब विश्वास नहीं रहा, जनविश्वास खो दिया है। और एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। तो कांग्रेस का साथ एक और विधायक ने छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल होने जा रही है। हालांकि कांग्रेस कहती कि पहले से अनुमान था कि इस तरह के कुछ और कदम हो सकते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, इस तरह के कदम हो सकते हैं ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री का, क्या इस श्रृंखला में कोई और भी शामिल हो सकता है? ये भी क्लियर हो गया कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रही है, कब तक ये होगा?
देखिए निश्चित तौर पर पुनीत, और कितने और विधायक आएंगे ये तो अभी सस्पेंस है, पर लेकिन संकेत बीजेपी के नेताओं ने ये साफ दिया अरविंद भदौरिया से जब बात की थी हमने, तो उनका कहना था कि 22 से 26 और ये आंकड़ा आगे कहां तक जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। विकास की नीति से प्रभावित हुए शिवराज सिंह चौहान की, हालांकि विकास क्या है ये सबको अच्छे से मालूम है, क्योंकि कई सारे दबाव जो है वो सुमित्रा देवी काशीकर के ऊपर थे, और हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले उनका जो सचिव थे उनकी जो गिरफ्तारी है वो नकली नोटों के चलते हुई थी। पर लेकिन फिलहाल अगर हम तस्वीरों में बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के बाहर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री उज्जैन से अंदर आ चुके हैं। उससे पहले प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, सुमित्रा देवी काशीकर को उनके निवास एमएलए गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री निवास लेकर आए थे। ये माना जा रहा है कि अंदर औपचारिक तौर पर न केवल उनको बधाई दी जाएगी बल्कि मुख्यमंत्री बीजेपी में आने का उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाने का प्रोग्राम है। यहाँ पर एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा देवी काशीकर को सदस्यता दिलाई जाएगी। कारण क्या होंगे उस समय सुमित्रा देवी बताएंगी पब्लिकली, पर लेकिन जो अंदर की कई सारे कारण हैं उनमें एक प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनके ऊपर जो हाल ही में जो प्रकरण आया था उनके स्टाफ के ऊपर एक दबाव हो सकता है कि शायद उससे जुड़े कुछ चीज़ें हों, पर लेकिन ये बातें जो है जब तक कहना बेकार होगा, क्योंकि अरविंद भदौरिया से जब इस बारे में हमने बात की थी तो उनका कहना था कि सुमित्रा देवी जो है वो निष्पक्ष हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। लिहाजा कहना होगा कि उनके आसपास के लोगों का प्रेशर था या सुमित्रा देवी वाकई में अपनी इच्छा से आई या कांग्रेस के अंदर की कोई अंतर कला थी, वो एक बड़ा कारण था। पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, आज सुबह सबसे पहले पुनीत ये खबर IBC 24 ने अपने दर्शकों को बताई थी, और उस खबर पर देर शाम आते आते मोहर जब लगी, जब विधायक सुमित्रा देवी का इस्तीफा लगभग 4 से 5 घंटे बाद हमारी खबर दिखाने के बाद विधानसभा सचिवालय से आया, पर लेकिन उससे पहले लगभग ये पूरा स्पष्ट हो चुका था कि सुमित्रा देवी काशीकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर है उनका साफ कहना था कि एक दिन पहले उनकी चर्चा हुई थी, सोचने का मौका दिया गया था, पर लेकिन वो अपने इस्तीफे पर अड़े गए, लिहाजा उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीटों से शुरू हुआ सिलसिला उपचुनाव का अब 26 तक पहुंच गया है, आने वाले समय में सिलसिला कहां जाकर रुकेगा तो समय बताएगा, पर लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री निवास के अंदर सुमित्रा देवी काशीकर जो है नेपाल नगर की विधायक पूर्व विधायक वो मुलाकात कर रही है, बीजेपी में आने का उनका स्वागत किया जा रहा है, और उसके बाद में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। पुनीत चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो इस समय की जो बड़ा अपडेट है कि एक और झटका कांग्रेस को लगा, एक और सदस्य टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए और एक विधायक का जाना, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि अनुमान है और अब तक सौदेबाजी के आरोप भी उन्होंने दोहराए। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज ने विशेष पूजा अर्चना की, और इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत हितग्राहियों को चेक बांटे हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक ली, उन्होंने बताया कि कोरोना को नियंत्रित किया गया लेकिन खतरा टला नहीं, लोगों को खास तौर पर सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में बताया, उन्होंने गुना के मामले पर हो रही सियासत के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया। सीएम ने कहा कांग्रेस सरकार के शासन में दलितों के खिलाफ कई आपराधिक मामले हुए लेकिन कमलनाथ जी का दर्द उस समय सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आज मध्य प्रदेश अभी भी बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है पॉजिटिव केसेस में, कुल मिला के कंपेरेटिव भी हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। कांग्रेस के मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गुना की आधार बनाकर कई तरह के आरोप लगाए, हमने तत्काल कार्रवाई की, SP कलेक्टर IG संबंधित पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, इन सबको हटाया और उस परिवार को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस को सोचना चाहिए, आपने बताया क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया।